गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेबी स्वान मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वरुण धवन की मूवी बेबी स्वान का 2 मिनट लंबा टीजर सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 के साथ सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाला है। दोनों ही मूवी 1 नवंबर 2024 को दिवाली पर एक ही साथ रिलीज होगी। इटली कुमार के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी वरुण धवन की इस एक्शन मूवी का फैंस का बड़े बेसब्री से इंतजार है। मूवी को इसी साल दिसंबर के महीने में रिलीज किया जाना है। अभी मूवी की रिलीज डेट 25 दिसंबर बताई जा रही है, यानी क्रिसमस के वीकेंड पर वरुण धवन की मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 दोनों ही मूवियों का दर्शकों के बीच काफी क्रेज नजर आ रहा है। इसी क्रेज का वरुण धवन की मूवी को भी यकीनन फायदा होने वाला है। वरुण धवन अपनी अपकमिंग मूवी बेबी स्वान में दमदार एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। इस मूवी के टीजर में बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस, ड्रामा और दमदार गाने नजर आ सकते हैं, जिससे मूवी को लेकर फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई है और अब वरुण धवन की मूवी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले भी मूवी में सलमान खान के कैमियो को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी। उन्होंने एक कैमियो शूट किया गया है। मूवी में सलमान खान का एक कैमियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। शायद लगता है कि वरुण धवन और सलमान खान के बीच में एक्शन सीन हुआ है। बेबी स्वान में सलमान खान का रोल मूवी की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी साबित होने वाला है। इसके अलावा बेबी स्वान मूवी को US सर्टिफिकेट भी मिल गया है। इस मूवी में एक्ट्रेस के तौर पर कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, सानिया मल्होत्रा भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ भी इस मूवी में शामिल है। इस मूवी को डायरेक्शन कलीस ने दिया है, जबकि प्रोड्यूस इटली कुमार करने वाले हैं और वो इटली कुमार की थेरी मूवी की ही रिमेक मूवी रहेगी बेबी स्वान। तो दोस्तों, आप भी ऐसी बेबी स्वान मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।